बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी अब नहीं होगी। इस पूरे मामले पर सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी। कदर टू की सक्सेस के बीच सनी देओल अपने जुहू स्थित बंगले की नीलामी को लेकर भी सरसा में है। उनके सनी विला पर गदर मसा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले सनी के बंगले की नीलामी का नोटिस जारी किया, फिर 24 घंटे के अंदर तकनीकी कारण बताकर ई नीलामी का नोटिस वापस ले लिया। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैंक की नोटिस वापस लेने पर तंज कसते हुए पूछा है, आश्चर्य है कि इन तकनीकी कारणों का कारण कौन है। वही इस पूरी कंट्रोवर्सी पर सनी देओल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने इस मैटर को पर्सनल बताया है। सनी ने कहा, मैं कुछ भी बोलूंगा लोग गलत मतलब निकालेंगे, ये पर्सनल मैटर है, मुझे इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना। सनी देओल के 56 करोड़ रूपए के लोन का भुगतान न कर पाने पर बैंक ने उनके जुहू के बंगले को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था। खबरें ऐसी भी थी कि सनी के बंगले को नीलाम होने से अक्षय कुमार ने बसाया, लेकिन फिर अक्षय के प्रवक्ता ने रिपोर्ट करते हुए इन खबरों को गलत बताया। फिलहाल सनी देओल के बंगले की ई नीलामी बैंक की तरफ से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म गदर टू धुआंधार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने 11 दिन में 398 करोड़ कमा लिए है।